बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, होती रहती हैं आर्यन बाबू, होती रहती हैं। और अब तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि बड़ी शिद्दत से मैंने तुझे पाने की कोशिश की है, जर्रे जर्रे ने तुझसे मिलवाने की साजिश की है। और उस साजिश के बाद आ गया लड़का बाहर, किसी को इतनी शिद्दत से चाहो कि पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलवाने के लिए ऐसे। मुझे उस दिन वाला वीडियो तुम्हारा याद है आर्यन, जिस दिन तुमने गौरी को उसके फ़ोन में एक वीडियो बना के दिया था कि पापा क्या आपने सबको पैसे पहुंचा दिए, पापा क्या आपने वाकई में सबको पैसे पहुंचा दिए, तो फिर मैं बाहर क्यों नहीं आ रहा हूँ। बेटा मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारा बाप होते हुए भी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूँगा, लेकिन मुझे इस बात का पूरा भरोसा था कि मेरे बर्थडे से पहले, जो कि 2 नवंबर को आता है, तुम्हें मैं बाहर निकालूँगा और इस बार दिवाली घर पे ही मनाओगे तुम। और खबरदार, जो ऐसे वैसे गंदे तुमने नशे किए वो जो तुम्हारे बेड के नीचे रखा है वो ले सकते हो, लेकिन वो वीडियो मेरे दिल में बस गया है जो तुमने बनाया था, याद है? नहीं भैया, मुझे टी नहीं चाहिए, आप जाइए। एक टी वाले से मेरे पापा ने पंगा ले लिया था और एक अब मैं आपसे नहीं लूँगा। ठीक है मामा, उनको बोलो ढंग से पैसे वैसे खिलाएं, जल्दी से जल्दी खिलाएं, मुझे यहाँ से बाहर निकाले। आई वॉन्ट टू गो आउट, आई वॉन्ट टू पार्टी। देखा ना तुमने किस तरीके से तुमने उसमें मेरी शिकायत की थी कि क्या पापा ने सबको पैसे नहीं पहुँचाए। अरे पैसा तो इतना गया है यार कि मन्नत की बाहर मुझे मन्नतें मांगनी पड़ी लोगों से, लोगों ने मेरी जन्नत बजा दी, लेकिन मैं क्या करूँ, मरता क्या ना करता। और वैसे भी बेटा तुम जानते ही हो कि हार कर जीतने वाले को शाहरुख, बाजीगर तो तेल लगाने गया लेकिन शाहरुख तो नहीं, और तुम्हारा बाप है, और तुम्हारे लिए मरते दम तक वो सब करता रहेगा जो तुम चाहते हो, क्योंकि कभी ना कहीं कैसे ना कैसे मैंने तुमसे कहा था कि तुम वो ज़रूर करना जो तुम्हारे बाप ने नहीं किया, और आज तुमने वो करवा दिया जो तुम्हारे बाप ने वाकई में किया, और तुमने खुद भी वो किया जो तुम्हारे बाप दादाओं ने नहीं किया था। तो मैं तुमसे यही कहूंगा बेटा कि एंजॉय योरसेल्फ, नाउ यू आर फ्री। एक्सक्यूज मी, हेलो। अरे थैंक यू उद्धव साहब, बाहर आ गया लड़का। नहीं, ये तो आपके और आपके स्टाफ के, आपके लोगों के, आपके भाइयों के, आपके सभी, जिसे कहना चाहिए कि पार्टी के सेना की वजह से है, वरना तो हम लोग तो क्या है। मैं तो वैसे ही अजीब सा दिखता हूँ, लेकिन मेकअप वेकअप करके थोड़ा बहुत ठीक ठाक सा लगता है, लेकिन किस्मत ऊपर से ऐसे लेकर के आया हूँ कि बाजीगर कब रईस बन गया मुझे खुद नहीं पता लगा। आप तो जानते ही हैं, थैंक यू सो वेरी मच। तो उद्धव साहब, तहे दिल से आपका धन्यवाद। और अब यार ये जो वांगखड़े नाम है ना, आप ये हटवा ही दीजिए। वांगखड़े स्टेडियम में मैं कभी नहीं जाऊंगा, और ये वांगखड़े वाला जो बंदा है इससे तो कभी मेरे को बात करनी ही नहीं है, ना मैं इसको आसपास फटकने दूंगा। और ये किसी केस में हो या मेरे पीछे हो तो आप ज़रा पहले बता दीजिएगा, ताकि मैं इसका सही से इलाज कर पाऊँ। बाय एंड गॉड ब्लेस। और हाँ, हैप्पी दिवाली। इस बार की दिवाली जो है ना वो मेरे लिए सबसे स्पेशल है, क्योंकि मेरा बेटा मेरे पास वापस आ गया। एंड ऑल थैंक्स टू यू एंड सभी देखने वाले, सुनने वाले, बोलने वाले, खाने वाले, पीने वाले, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पीने वाले तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरा बेटा ही काफ़ी कुछ पी करके अंदर हो करके आया है। तो खैर, थैंक यू सो वेरी मच, बाय। मैं चलता हूँ, नाउ आई विल इन्जॉय विद माई सन इन मन्नत। आप वाकई में मन्नत को बना देंगे जन्नत। बाय। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।